अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। हिंदू धर्म के सन्यासियों में से एक नागा सन्यासी अपने पूरे शरीर पर भभूत धारण करते हैं। नागाओं में भी दिगंबर साधु ही शरीर पर भस्मी या भभूत लगाते हैं। यह भस्मी या भभूत ही उनका वस्त्र और श्रृंगार होता है। यह भभूत उन्हें बहुत सारी आपदाओं से बचाती है। कैसे बनती है भभूत? भभूत बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होती है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला व गाय के गोबर को भस्म करते हैं। इस भस्म की हुई सामग्री की राख को कपड़े से छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। इसे 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध से बुझाया जाता है। इस तरह से तैयार भस्मी को समय समय पर लगाया जाता है। यही भस्मी नागा साधुओं का वस्त्र होता है। कहते हैं कि कुछ नागा बाबा चिता की राख को शुद्ध करके शरीर पर मलते हैं और कुछ अपने धुने की राख को ही शरीर पर मलते हैं। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भभूत मलते हैं, निवस्त्र रहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं भी आकर्षण का केंद्र रहती हैं। हाथों में चिमटा, चिलम, कमंडल लिए और चिलम का कश लगाते हुए इन साधुओं को देखना अजीब लगता है। मस्तक पर आड़ा भभूत लगी 3 धारी तिलक, जिसे त्रिपुट भी कहते हैं, ये धुनी रमा कर रहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।